आज के जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेज मीन्स आयु संबंधित प्रश्न, ये चैप्टर में आपको पढ़ा। और ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेज का ये पार्ट को एक तरह से ये कह सकता हूँ ये इसका लास्ट पार्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, नया चैप्टर। जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन एजेज का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप शुरू से देखते हुए क्लास को आप आते, क्योंकि ये इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट में आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड में आपको बता चुका हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो उनके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे जो पहले जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया उनके अलावा जितने टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम लोग इसी में कवर करेंगे। तो जो लोग भी रेलवे ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, RPF, JEE या SSC बोले तो SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको एक सिक्वेंस से टाइप टाइप करके और मिक्स्ड लास्ट में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको टाइप टाइप करा रहा हूँ, लास्ट में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस सब कुछ ये लिस्ट मैंने बना दिया, आप वहाँ से जाकर के चेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन को हम सुन। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए कमा बी और सी की औसत आयु कितना दिया गया है, 22 वर्ष। बी और सी की औसत आयु कितना दी गई है, 25 वर्ष। 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए कि 9 साल बाद ए कितने वर्ष का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया आपको, एवरेज दिया है। ये क्या दिया आपको, एवरेज दिया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि एवरेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, प्ले लिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, यानी तीनों की आयु 22 है। तो इस तरह से तीनों की आयु का योग पता करने के लिए इनकी संख्या कितनी, 3। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो तीनों की आयु का योग पता चलेगा। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो एवरेज कितना दिया गया आप बताएंगे कि 22 वर्ष। औसत कितना दिया गया, 22 वर्ष। अब कि इन सभी का योग निकालने के लिए आपको करना है कि इनकी संख्या 3 है ना, तो 3 का इसमें आप मल्टीपल करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, 22 वर्ष का ये भी, 22 वर्ष का ये भी, 22 वर्ष का ये भी है। ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इनकी संख्या 3 है तो 3 का लाख इसमें गुणा करेंगे तब भी आपका 66 ही आएगा। 22 तीन बार जोड़ेंगे तब भी 66 आएगा, या इनकी संख्या से गुणा कर देंगे तब भी 66 मिलेगा। ये बात क्लियर हुई आपको। फिर क्या कहा गया, बी और सी की औसत आयु कितना देंगे, 25 वर्ष। बी प्लस सी का जो एवरेज है ये कितना है, 25 वर्ष। तो दो लोग हैं, इन दोनों की आयु का योग पता करने के लिए इसमें दो का क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो गया, 50। प्रश्न में पूछा कि एक ही आयु पूछा है ना, अगर मैं करूँ क्या, घटा दूँ, जब इसको घटाऊँगा तो ये इससे ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब घटाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, ए मिलेगा, और इधर से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 16 वर्ष। अब कि मुझे ए की आयु पता चल गई, ए इस समय कितने वर्ष का, 16 वर्ष का। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि 9 वर्ष बाद पूछे, 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। तो 9 वर्ष बाद पूछा है तो 9 इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। आप बता सकते हैं कि 9 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा, 25 वर्ष का। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच, और ये NTPC में पूछा गया 2021 में। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्लास को आप शुरू से देखते हुए आइए, ठीक है, क्लास को आप शुरू से देखते हुए आइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योग कितना दिया गया, 27 है, 27 वर्ष। क्यू की आयु कितनी है, आपसे प्रश्न में ये पूछा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए किसका किसका जिक्र हो रहा है, पी क्यू आर का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पी क्यू आर लिख दे रहा हूँ, तीन ही व्यक्ति हैं पी क्यू आर। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या है, P
क्यू से 2 वर्ष बड़ा, पी जो क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, फिर आगे क्या है, क्यू जो आर से 4 वर्ष छोटा है, तो ऐसे में किससे कंपेयर हो रहा है, आर वाले से कंपेयर हो रहा है। अगर ये जो क्यू है इससे 4 वर्ष छोटा है और ये जो इससे 2 वर्ष बड़ा है, तो ऐसे में लास्ट वाले को यानी इससे ही तो कंपेयर हो रहा है, तो इसकी आयु हम लोग कितना मान लें, ये जो आर है इसकी आयु कितना मान लो है, एक्स मान, एक्स मान। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यानी जो क्यू है इसकी आयु से 4 वर्ष छोटा है, यानी इससे 4 वर्ष कम है, तो इसमें से 4 घटाएंगे तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा, ये 4। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर देखिए यहाँ से पहली वाली लाइन में देखिए, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, यानी जो पी है इससे 2 वर्ष क्या है, ये बड़ा है, इससे 2 वर्ष बड़ा है। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे, अगर ये जो पी है इससे 2 वर्ष बड़ा है, इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हुआ कि नहीं होगा, ये बात आपको क्लियर होगी नहीं। अगर इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, एक्स माइनस 4 है, जब इसमें 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 वर्ष बड़ा है तो मैं इसमें 2 ऐड कर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर देखिए कहा कि उनकी आयु का योग कितना दिया गया, 27 वर्ष। अगर मैं तीनों की आयु का योग करूँ तो किसके बराबर मिलना चाहिए, 27 के बराबर मिलना चाहिए। अगर हम लोग इनका योग करेंगे, अगर इनका योग करेंगे रेशो में, तो कितना, 1x 2x 3x मिलेगा और माइनस 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x - 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये 27। यहाँ तक बात समझ में आई। ये जाके इधर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, ये इधर जाके जुड़ेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 11। अब कि आपको x का मान पता चल गया, तो किसकी आयु पूछा है, क्यू की पूछा है ना, तो क्यू वाले में ला करके क्या रखेंगे, आप मान रखेंगे, x की जगह 11 रखेंगे और 11 में से कितना घटाना, 4 घटाएंगे, तो ये कितना मिलेगा आपको, 7 वर्ष। आप बता सकते हैं कि क्यू की आयु कितना है, 7 वर्ष। ये इसका आंसर, तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितना दिया गया, 42 वर्ष। कब की दिया गया, 10 साल पहले की। अब क्या कहा गया, परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, औसत आयु कितना दिया गया है, तीनों का मिलाकर के औसत आयु अब कितना हो रहा, 39 वर्ष हो रहा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र आपसे पूछा है कितनी, पुत्र की क्या पूछा आपसे, वर्तमान उम्र। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से तो किसका किसका जिक्र दिए, किसका किसका जिक्र हो रहा है, आप यहाँ पे कहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों की जो औसत आयु है कितनी दी गई, 42 वर्ष। अगर मैं 2 से इसमें गुणा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, दोनों की आयु का योग पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 84। लेकिन ये आयु कब की दी गई, यानी ये कब का दिया गया, तो आप बताएंगे 10 साल पहले का दिया गया। अगर आज की बात करूँ तो 10 साल ये हस्बैंड भी बढ़ेगा और 10 साल ये भी बढ़ेगा, तो इस तरह से 10 वर्ष की वृद्धि होगी दोनों में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष की वृद्धि होगी। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104। फिर नीचे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और यहाँ पे सर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सर, इनका एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे 39 वर्ष दिया। तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए, तीन लोग हैं ना, तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 3 से गुणा, जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 39 कितना होता है, 117। अब इसके बाद करना क्या, आप घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, आपका ये बचा और इसको भी इधर से क्या करेंगे, घटाएंगे। आप चाहे तो साइन लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 13 - 13 मिलेगा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो सन है इसकी एज कितना है, 13 वर्ष, जो पुत्र है इसकी आयु कितना है, 13 वर्ष। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, NTPC में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। पहली लाइन में देखिए दिया गया है, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी वर्तमान आयु आपको दिया गया, पुत्र की वर्तमान आयु है का मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है, पिता की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पिता लिख लीजिए और यहाँ पे पुत्र लिख। अब कंडीशन क्या, इस कंडीशन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर, यानी जब ये पुत्र का जब जन्म हुआ होगा, जब इसका क्या हुआ होगा, जन्म हुआ, तो जो पिता की आयु इसके जन्म के समय किसके बराबर है, पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर, यानी पुत्र की वर्तमान आयु आपको दी गई, यानी पिता जो उस समय कितने वर्ष का रहा होगा, 20 वर्ष का रहा होगा। तो हमसे पूछा कि पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा, अगर ये उस समय यानी कि इसके जन्म के समय अगर ये 20 वर्ष का रहा होगा, तो ये आज कितने वर्ष का होगा, क्योंकि इसकी उम्र कितना है, आज कितने वर्ष का, ये 20 वर्ष का है, ये वर्तमान में कितने वर्ष का, 20 वर्ष का है। तो इसकी भी वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें 20 क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। आप बता सकते हैं कि पिता इस समय कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु कितना दिया गया, 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, आपसे ये प्रश्न पूछा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ये 2022 में पूछा गया, और ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये आरआरबी जेई में पूछा गया 2023, सेम यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा कि पुत्र की आयु पूछी गई 5 साल पहले, देखिए ये देखिए कि नहीं, और यहाँ पे देखिए पिता की आयु कितना आ रही 40 वर्ष आ रही है, और इस प्रश्न में देखेंगे तो पिता की आयु आपको दी गई है और 5 साल पहले पुत्र की आयु पूछा गया है ना। तो पुत्र यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में कितने वर्ष का 20 वर्ष का, तो 5 साल पहले इसकी आयु कितना आ जाएगी, 15 वर्ष की आ जाएगी। आप ऐसे बता सकते हैं या मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप उसकी हिंट से इस प्रश्न को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसका देखेंगे तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा आंसर, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, 15 वर्ष। देखिए ऐसे ही सेम ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस प्रश्न को क्या कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट लेकर के आप इसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। जो पिनाकी है ये भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्ष के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु से कितना, इतना 1.2 गुना हो गया। पिनाकी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या क्या नाम, पिनाकी और भास्वती। तो पिनाकी को हम लोग पी से इंडिकेट कर दें और भास्वती को हम लोग बी से इंडिकेट कर दें, ये बात समझ में आई। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, छोटी कहें या अंतर कहें, बात एक ही, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर, या कह सकते हैं छोटी है एक जो दूसरे से 9 वर्ष छोटी है अंतर। अब की कहा कि 13 वर्ष के बाद भास्वती की आयु, 13 वर्ष के बाद जो भास्वती की आयु है पिनाकी की आयु का कितना हो जाएगा, ये 1.2। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकती हैं, इसको आप कितना लिख सकती हैं, 6/5 आप लिख सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब की इसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं, जो भास्वती की आयु है पिनाकी की आयु का इतना गुना। पिनाकी की अगर मैं यहाँ से मान लूँ पिनाकी की आयु कितना मान लीजिए, 1 माह, और जो भास्वती की आयु पिनाकी की आयु का इतना गुना है 6/5,
इसकी आयु का कितना है, ये 6/5। इसकी आयु कितना, 1 है। इसकी आयु का ये कितना है, 6/5। अब ये जाके इधर तिलक में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5:6। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये रेशियो कब का है, ये रेशियो कब का, ये आप बताएंगे 13 वर्ष बाद। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 13 वर्ष बाद। ये रेशियो कब का पता चला आपको, 13 वर्ष बाद। और यहाँ पे देखेंगे तो जो पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, या ये कह सकते हैं कि दोनों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। अगर दोनों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है तो आप रेशियो में अंतर करेंगे तो रेशियो में अंतर कितना मिलेगा, 1। इस अंतर से इस अंतर में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितनी बार जाएगा, ये 9 ही बार। इसकी आयु पूछा है, पिनाकी की पूछा है ना, जितनी बार भाग गए ये पिनाकी वाले मिला करके क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे। यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। 9 × 5 = 45। ये देखिए 45 वर्ष आयु आई है पिनाकी की, लेकिन कब की आई है, 13 साल बाद की पता चली है। और हमसे पूछा कि पिनाकी की वर्तमान 13 साल बाद अगर ये 45 वर्ष की होगी तो आज की आयु पता करने के लिए इसमें से क्या करिए आप, 13। जब आप इसमें से 13 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, तो ये कितना मिलेगा, 32। आप बता सकते कि पिनाकी इस समय कितने वर्ष की है, 32 वर्ष की। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच। ये भी क्वेश्चन देखेंगे ALP में पूछा गया एंड टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर। ए कॉमा बी और सी की आयु का योगफल कितना दिया गया, 42। ए और बी की आयु का योगफल आपसे पूछा गया कितना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे इनका नाम ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी। जो ए की आयु बी से कितना दोगुना, ए वाला जो बी का दोगुना, तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे बी कितने वर्ष का है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगली लाइन में क्या दिया गया, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर। जो बी की आयु है ये सी की आयु के कितने, सी की आयु के 1/3 के बराबर। जो बी की आयु है सी की आयु के 1/3 के बराबर। यहाँ तक बात समझे, अगर मैं इसको इधर बटे में कर दूंगा, इसको क्या कर दो इधर बटे में, तो बी बटे सी और ये कितना, 1/3, यानी बी का मान ये आ गया और सी का मान ये। अब देखिए आपको बी और सी का मान पता चल गया, तो आप यहाँ पे लिखिए सी के स्थान पे कितना लिखेंगे, 3, बी के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1। अब पहली वाली लाइन पढ़िए, ए की आयु बी से कितना दोगुनी, जो ए की आयु इसकी आयु का दोगुना, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 वो कि नहीं, 1 का दोगुना करेंगे तो 2 आपको मिले। तीनों की आयु का योगफल कितना दिया गया, आप यहाँ पे लिखिए तीनों की आयु का योग कितना दिया गया, 42 वर्ष। अब रेशियो में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6। इस योग से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा। इसकी आयु का योगफल पूछा है ए और बी। अब आपके पास दो तरीके, पहला तरीका ये कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए की आयु पता चलेगी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी की आयु पता चलेगी, इसकी आयु पता चलेगी और इसकी आयु पता चलेगी, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं आपको क्या आ जाएगा, आंसर, फिर इसका आंसर। अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही स्टेप में हो जाए तो इसके लिए करना क्या, आपको इन दोनों की आयु का योगफल पूछे ना, तो आप इन दोनों को रेशियो में क्या करें, योग करें, 2 × 1 कितना हो जाएगा, ये 3। जितनी बार भाग गई है इसमें ला करके क्या करेंगे आप, मल्टीपल। जब मल्टीपल करेंगे तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। आप बता सकते हैं कि ए और बी की आयु का योग कितना होगा, 21 वर्ष। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। प्रश्न में ये कहा गया कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्योंकि आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे करना है कि एक्स मानना पड़ेगा, एक्स और वाई मानना। तो किसकी आयु पूछा है, ये क्योंकि आयु पूछा है, तो आप यहाँ पे लिखिए P और Q लिख लीजिए। P और Q का जिक्र हो रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ।
अगर हम लोग मान लें कि माना पी की आयु कितना एक्स वर्ष है और क्यू की आयु कितना मान लिया जाए वाई वर्ष। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हैं कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाई मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कहा कि अब पी की वर्तमान आयु का तीन गुना, अगर इसकी वर्तमान आयु मैंने एक्स माना तो इसका तीन गुना, तो इसका तीन गुना करेंगे तो थ्री एक्स। फिर क्या कहा गया, क्योंकि वर्तमान आयु से, क्योंकि वर्तमान आयु कितना है ये से कितना अधिक है, यानी इसकी वर्तमान आयु से ये 25 वर्ष अधिक है। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिलेगा, 25 वर्ष मिलेगा, या कह सकते हैं ये वाला इससे 25 वर्ष अधिक है। बात समझ में आई। देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर वन लिख सकते हैं, समीकरण नंबर एक आप लिख सकते हैं। अगला कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का दोगुना पी की आयु के तीन गुने से कितना ये कम कहा गया है, 18 कम है। तो 10 साल बाद इसकी वर्तमान आयु, ये इसकी क्या, ये वर्तमान आयु है, इसकी वर्तमान आयु मैंने माना तो 10 साल बाद का है, तो 10 इसमें भी जोड़ना होगा, 10 इसमें भी जोड़ना होगा, क्योंकि ये शब्द देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें भी जोड़ना होगा, 10 इसमें भी जोड़ना होगा, क्योंकि ये इनकी वर्तमान आयु है। तो 10 वर्ष बाद आयु पता करने के लिए 10 इसमें जोड़िए, 10 इसमें आप जोड़िए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस कितना हो जाएगा, इसमें भी क्या करना है आपको 10 जोड़ना है, तो y प्लस कितना हो जाएगा ये। अब कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को देखा जाए, कंडीशन ये कि क्योंकि आयु का दोगुना, क्योंकि आयु का क्या करना है आपको, दोगुना करना है, क्योंकि आयु ये क्यों है, क्योंकि आयु का दोगुना। फिर क्या कहा कि पी की आयु के तीन गुने से इसकी आयु का क्या करना आपको, तीन गुने से 18 करना। जब मैं इन दोनों के बीच का अंतर करूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 18, यानी ये जो इससे 18 वर्ष क्या है कम। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक स्टेप और आप बढ़ा लीजिए, जब आप यहाँ से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पे करिए 3x हो जाएगा। अब कि यहाँ पे ये जो 30 मिलेगा मैं इसको दूसरे बच में ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं आपको एक ही स्टेप में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 2y। जो अंक वाला है इसको मैं क्या करूंगा, एक साइड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 30 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20, ये 30 प्लस का और ये माइनस 20 क्या है, माइनस 20 है, इसमें से घटाएंगे तो 10 आपको मिलेगा, प्लस का 10 मिलेगा, प्लस का 10 मिला, ये जो प्लस 10 का मिला ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब कि मुझे करना है कि इक्वेशन नंबर वन और इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना है आपको, क्यू वाले का मान निकालना, यानी वाई का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, या चाहे तो मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर आप होंगे तो आप यहीं पे डायरेक्ट काट दीजिएगा, साइड में मत लिखिएगा। ये कितना, ये 3x माइनस वाई, ये कितना है 25, और ये 3x माइनस 2y बराबर कितना, ये देखिए अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये दोनों तो सेम है, तो ये घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ से देखिए ये 2y हो गया और ये माइनस का वाई, जब घटाएंगे तो ये y मिलेगा। इसमें से करना क्या आपको, इसको घटाना, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 13। किसकी आय पूछा है, क्यों की पूछा ना, तो क्योंकि हम लोगों ने कितना माना वाई, तो वाई ये देखिए क्यों की आय आपको पता चलिए, यानी क्यू कितने वर्ष का है, क्यू कितने वर्ष का है, 13 वर्ष का है, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, सॉरी ये 17 होगा, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 वर्ष, तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका इक्वेशन ही बनेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर इक्वेशन करके बताया था कि नहीं बताया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनाना होगा, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए वैसे मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो क्लियर ज़्यादा ना हो, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था, वीडियो क्लियर ज़्यादा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, ये 9 गुना बड़ा,
फिर क्या कहा गया, 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 वर्ष से 1 वर्ष, 1 वर्ष कम बड़ा, 1 वर्ष क्या है कम बड़ा, उनकी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपने बेटे से कितना 9 गुना बड़ा है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करें, ऑप्शन से सॉल्व करें। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये पहली वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो कर रहा है, जो व्यक्ति है अपने बेटे से कितना 9 गुना। देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इसका कितना हो 9 गुना, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 गुना मिले। क्या ये इसका ये 9 गुना है क्या, नहीं है। क्या ये इसका 9 गुना है क्या, नहीं है। इसका ये 9 गुना है क्या, नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन इसका कितना मिल रहा है, 9 गुना मिल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीम की आयु के 5 गुने के बराबर। वर्तमान में उनकी आयु का योग आपसे पूछा गया। सबसे पहले यहाँ से देखिए दोनों की आयु में कितने का अंतर दिया गया, और 30 वर्ष पहले कह रहा है कि जब उनका विवाह हुआ था वकार की आयु का 4 गुना नसीम की आयु के 5 गुने के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर इस तरह से मैं लिख दूँ या ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ये वकार हो गया और नसीम को हम लोग एन से इंडिकेट कर रहे हैं। अब प्रश्न में कहा क्या है, किसकी आयु का कितना गुना कहा गया, वकार की आयु का कितना 4 गुना, तो इसकी आयु का 4 गुना लिया जाए और नसीम की आयु का 5 गुना। ये दोनों क्या है बराबर, ये क्या कहा गया बराबर थे, तो मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। अब यहाँ से देखिए ये जो इनको क्या करेंगे आप एक साइड करेंगे, यन को मैं इधर कर दूँ यानी नसीम जो है इसको, नसीमा जो है इसको इधर कर दूँ, तो ये इधर आके हो जाएगा 5/5 कितना हो जाएगा 4। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वसीम हो गया नसीमा, तो 5 इन इसका मान कितना 5, इसका मान कितना है 4। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब कि इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर दिया गया, 8 वर्ष का अंतर दिया गया। अगर आप रेशियो में अंतर करेंगे तो कितने का मिलेगा, 1 का। इस अंतर से इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे कि 8 बार जाएगी, यानी कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी, यानी कोई फर्क नहीं। तो अब देखिए इसके बाद किसकी आयु पूछा है, ये उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा, दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट दोनों को रेशियो में जोड़ करके क्या करेंगे, आप जितनी बार भाग गए इसमें लाकर क्या मल्टीपल, क्या करना आपको मल्टीपल, जब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8/9 भाग, ये कितना हो जाएगा 8/9 भाग। अब देखिए इनकी आयु का योग पता चल गया, लेकिन कब की आयु, ये 30 साल पहले, ये रेशियो कब का, ये 30 वर्ष पूर्व, ये 30 वर्ष पहले की इनकी आयु का योग पता चल गया। अगर आज की आयु की बात करें तो 30 साल ये भी बढ़ेगा, 30 साल ये भी बढ़ेगा, तो इस तरह से 30-30 साल कितने की वृद्धि होगी, 60 वर्ष की वृद्धि, 60 आप लिखेंगे, 30 साल ये भी बढ़ेगा, 30 साल ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये 30 साल पहले का रेशियो दिया गया। तो आज की बात करें तो 30 साल ये भी बढ़ेगा, 30 साल ये भी बढ़ेगा, तो 30-30 कितना हो जाएंगे 60। अब इन दोनों को करना क्या, आपको ऐड करना है। अगर आप इन दोनों को जो ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, 7/6 यानी कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। ये इसका क्या गया आंसर, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करें, 132, तो सी वाला ऑप्शन इसका ग्रुप डी में पूछा गया ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु कितना दिया गया, इतना है, यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए लड़के और लड़कियां, तो इनका जो एवरेज है ये इतना दिया गया। अगर केवल लड़कों की बात की जाए तो लड़कों का जो औसत केवल कितना दिया गया, इतना। अगर मैं स्पेशल केवल लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों का औसत कितना दिया गया, इतना है। तो प्रश्न पूछा कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा गया। इस प्रश्न को हम क्या कर लें, एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लें। एलिगेशन मेथड से आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप बॉयज लिख लीजिए और यहाँ पे गर्ल, क्योंकि लड़के और लड़कियों की बात हो रही है तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल मैंने यहाँ पे लिख।
अब ये दोनों मिलाकर के अगर दोनों मिला दिए तो इनका एवरेज इतना है, जबकि लड़कों का एवरेज इतना दिया गया। लड़कों का औसत कितना दिया गया? 15.4 दिया। लड़कियों का कितना दिया गया? 18.2 दिया। और पूरी कक्षा का यानी लड़के और लड़कियां मिला दिया जाए तो इनका एवरेज कितना हो? इतना दिया गया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो इन मिलाने के बाद इनका एवरेज कितना मिल रहा है आपको? 16.8 मिला। 16.8 एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करें। अब ये करना क्या आपको, यहाँ से इसको घटाइए, जब घटाएंगे यहाँ से इसको क्या करेंगे आप घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? 1.4 मिलेगा। और इसको क्या करेंगे आप? इसमें से घटाएंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.4 मिलेगा। अगर दोनों के बीच में रेशो लगाएंगे, हमसे क्या पूछा है? रेशो ही तो पूछा है उनकी संख्या में। अब कि ये और ये दोनों सेम है ना, तो ये कट जाएंगे तो कितना रेशो आएगा? 1:1। आप बता सकते हैं कि बॉयज और गर्ल की संख्या के बीच में रेशो कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच है। और ये प्रश्न NTPC में पूछा गया 2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया और ये लेबर वन में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक विवाह 6 वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय आयु से कितना गुना, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना दिया गया? 1/10 गुना। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? 8 साल। क्योंकि जो एका विवाह वो कितना? 6 साल पहले होगा, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना, इतना गुना। इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं 4 * 4 कितना हो जाएगा? 5/4 बोल सकते, नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे लिखिए, देखिए विवाह का जिक्र कह रहा है, विवाह का जिक्र कह रहा है और विवाह के बाद, तो आप यहाँ पे विवाह के समय आयु और विवाह के बाद आयु। अगर हम लोग मान लें, अब ये कहा गया कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के इतना है प्रेजेंट में, अगर हम लोग मान लें कि विवाह के समय उसकी उम्र कितना है? 1 माह। कितना मान लीजिए? 1 माह। अब यहाँ पे जो वर्तमान में है उसकी उस समय की उम्र का यानी विवाह के समय की उम्र का ये इतना गुना, यानी इसका ये कितना गुना? 5/4 गुना। तो इसकी उम्र का 5/4 करना, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, रेशो लगा दूंगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 4:1 कितना मिलेगा? ये 5 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं ये कहूँ कि 6 साल पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, 6 साल पहले का ये रेशो आपको पता चल गया, 6 साल पहले मैं कहूँ, या ये कह सकता हूँ कि 1:1 का मान आपको पता चल गया। यहाँ से कटाएंगे, ये 6 ये शादी के समय है और ये शादी के बाद, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 6 वर्ष का जिक्र कहा गया, लेकिन रेशो में कितना गैप है? 1 है। इस तरह तो 6 वर्ष का गैप है, जब विवाह हुआ उस समय और ये प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का, लेकिन रेशो में कितने का अंतर है? 1 का। तो इससे क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, या कह सकते हैं कि 1:1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष होगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रश्न में कहा क्या है? प्रश्न में ये कहा गया कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 होगा, तो इसकी आयु सबसे पहले पता करते हैं ये कितने है। अब कि यहाँ से अगर मैं करूँ, ये एक तरह से वर्तमान का ये वर्तमान का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं, देखिए 1:1 का मान मुझे पता चल गया 6 है, अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो 6 * 5 कितना हो जाएगा? 30। यानी मुझे ये पता चल गया कि ए की जो आयु है ये इस समय कितने वर्ष का? ये 30 वर्ष का है, 30 वर्ष का है। कंडीशन ये है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की कितना? 1/10। अब देखिए ए की आयु पता चल गई है, लेकिन पुत्र की पूछा, तो पुत्र की आयु इसकी आयु का कितना? 1/10। तो 0 से 0 कट गया, ये कितना मिलेगा? 3 वर्ष। आप बता सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 3 वर्ष। जो उसका लड़का है वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में देखिए दिया क्या है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मेरी यानी हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना? 3 गुनी।
मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना क्या ये बड़ा है, बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे हमारी माँ की आयु, हमारी माँ और माँ है, और यहाँ पे मैं और भाई का जिक्र है। तो आप यहाँ पे लिखिए मैं हो गया, माँ आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या करिए भाई आप लिखिए। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए जो माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना, ये 3 गुना। तो सबसे पहले ये पता करें कि भाई कितने वर्ष का है। अगली लाइन पढ़िए, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। यानी जो मैं हूँ अपने भाई से आयु में क्या हूँ, 1/3 गुना बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई की आयु ऐसे माने जाए, इसकी आयु क्या किया जाए, ऐसे माने जाए कि जिसका 1/3 निकल जाए। यानी इसकी आयु ऐसे माने जाए कि जिसका 1/3 है, 3 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे ऐसी संख्या माननी चाहिए कि 3 से वो क्या कटे। तो 3 भी मान सकते हैं आप, 6 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं। तो हम लोग 3 ही मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा न पड़े। माना 3 वर्ष, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए जो इसका भाई है ये कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, तो ये 3 वर्ष का हो गया। और जो मैं अपने भाई से आयु में कितना गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना। यानी 3 वर्ष तो है ही हूँ और इसकी आयु का 1/3 क्या गुना बड़ा हूँ। तो अगर आप इसकी आयु का 1/3 निकालेंगे तो 1/3 से 3 कट गया, तो कितना मिलेगा, 1। यानी इससे क्या 1 वर्ष बड़ा है, तो इससे 1 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। अब पहली लाइन को पढ़िए, माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना, 3 गुना। जो माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितना, 3 गुना, इसका ये क्या है, इसका ये क्या, 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। यहाँ तक बात समझ में, ये कितना हो गया, 9। आप चाहे तो एक्स भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक्स भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मैं 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अगर 4 साल पहले की जिक्र कहा गया तो इसमें से क्या करना है, आपको 4 घटाना, इसमें से क्या करना होगा, 4 आपको घटाना। अब ये इसकी क्या वर्तमान आयु के बराबर था ना, 4 साल पहले जो इसकी भाई की आयु इसकी वर्तमान आयु के बराबर था, इसकी वर्तमान आयु कितना, ये 3x। यहाँ तक बात समझ गई, ये आके इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा तो घटेगा और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए x का मान आपको पता चल गया, किसकी आयु पूछा है, माँ की आयु पूछा है ना, तो देखिए x का मान आपको पता चल गया। अगर x का मान पता चल गया तो माता की आयु पूछा है, तो इस वाले में क्या करना है आपको, मल्टीपल करना, x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 × 9 ये कितना आ जाएगा, 4×9=36 वर्ष। आप बता सकते हैं कि माता की आयु इस समय कितने वर्ष की है, 36 वर्ष की। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर भी करें, जरूर से आप लाइक और शेयर करें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर को हम लोग